This is NDTV and you're watching NDTV Prime in association with Micromax, nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में चल रही सभी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले एक घंटे में देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर खास चर्चा। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। क्या मुंबई प्रॉपर्टी बाजार में भारी मुनाफे के दिन अब लग चुके हैं? घरों के महंगे दामों के चलते लोग क्या अपना रहे हैं निवेश के दूसरे तरीके? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई के शिवड़ी इलाके में पैसा लगाने वालों की चांदी ही चांदी। प्रॉपर्टी इंडिया में आज खास रिपोर्ट फीके होते मुंबई के रियल एस्टेट बाजार की। मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर हैं। आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुके इन दामों में उछाल की गुंजाइश पहले के मुकाबले कम रह गई है। एक जमाने में यहां दामों में 200% तक का उछाल मिला, लेकिन अब निवेशक रियल एस्टेट में निवेश की जगह दूसरे साधनों में निवेश को तरजीह देने लगे हैं। क्या निवेशक मुंबई में पैसा लगाने से कतराने लगे हैं? श्यामलाल खेतान समझदार निवेशक हैं। उन्हें अपने कारोबार का बरसों का तजुर्बा है और वो कोई फायदे का सौदा हाथ से नहीं जाने देते, इसलिए पिछले दशक में वो अपना पैसा मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टीज में निवेश करते आए हैं। लेकिन उनका मानना है कि अब मुंबई के बाजार में उन्हें फायदा नहीं दिखता। मैंने ओबराय में देखा 2800 रुपए की बुकिंग थी, 2800 की, और आज के दिन 16000 की बुकिंग है। नए प्रोजेक्ट पे उसके 16000 की, तो 16000 वाले को रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने वालों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ते शेयर बाजार और खुशहाल आर्थिक व्यवस्था के बल पर 2003 और 2009 के बीच प्रॉपर्टी के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ। लोअर परेल जैसे इलाकों में 2004-05 में कीमतें 5000 से 6000 प्रति वर्ग फुट थी, जो आज 45000 से 55000 रुपए हो गई है। जाहिर है मुंबई प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने वालों की लाइन लग गई, लेकिन जानकारों की राय है कि दामों के धमाकेदार इजाफे के दिन लग चुके हैं। अब वोलेटिलिटी आप जेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो एप्रिसिएशन है या रिटर्न्स है वो मेरी राय में 10% के आसपास आपको सालाना रिटर्न्स मिलेंगे, जो एक अच्छा मैच्योर वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट किसी भी इन्वेस्टर को देता है। तो इसमें रिस्क कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न्स भी कम हो गए हैं। महंगे दामों से दिक्कत और बढ़ जाती है। महंगे दामों पर कम मुनाफे की वजह से शहर में लोग निवेश करने से कतरा रहे हैं। इन्वेस्टर जो बॉम्बे में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बॉम्बे में अफोर्डेबिलिटी हमने ज़्यादा कर देखा है कि ज़्यादा करके लोग जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, उनका टिकट साइज इन्वेस्टमेंट साइज होता है 40 से 50 लाख। चूंकि 40 से 50 लाख में मुंबई में कुछ मिलना मुश्किल है, तो वो प्रेफर करते हैं कि जैसे नेबरिंग सिटी है, जैसे पुणे में है या आईटी सिटी बेंगलोर है, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। निवेशक अब प्रॉपर्टी के बजाय दूसरे जगहों पर अपना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर लंबे समय तक निवेश करना है तो शेयर बाजार में पैसा लगाने से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इक्विटीज की अगर हम बात करें रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो आपको इक्विटी से मिलेगा वो करीबन 15 to 17% होता है। रियल एस्टेट देखेंगे हम तो 14 to 15% आपको रिटर्न्स मिलता है।
लेकिन जहां आप कंफर्टेबल हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप एक एसेट एलोकेशन करके अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम कोई भी खाली रिटर्न्स या कोई दूसरे पर्सपेक्टिव से चूज करके एक प्रोडक्ट चूज करें। मुंबई से निखिल शिवदास, NDTV। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मुंबई से जुड़ रहे हैं, संजीव चौधरी जो कि डायरेक्टर हैं वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज कॉलियर्स इंटरनेशनल में, और संदीप साध CEO मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज .com में। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की चमक फीकी पड़ गई है और इसके पीछे आप क्या रीज़न, क्या कारण देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम एक बात देखें कि मार्केट के रेट जो हैं 200-300% इतने टाइम में बढ़ गए हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, और आगे रिटर्न्स आना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए रीज़न ये है कि एक तो सबसे हमारे यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, जो कि लोकेशंस में हमको माल चाहिए वहाँ माल नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है। हमारे जो मुंबई शहर में है पिक्यूलियर लोकेशंस हैं, जैसे अंधेरी वेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं आज जिनका कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन है या बंद पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ एविएशन इश्यूज़ हैं या और कोई इश्यूज़ हैं, ये सब मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो मार्केट को कर्टेल कर रहे हैं। और रिटर्न्स तभी मिलती है जब इन्वेस्टर खुश होता है एक लोकेशन में आने से और जिसको आगे दिखाई दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे, और काफ़ी इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स और भी हैं जिसके कारण ये रिटर्न्स यहाँ पे नहीं दिख रही हैं मार्केट में, लेकिन 10-15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज मुझे नहीं लगता उसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए इन गुड लोकेशंस। जी संजीव, आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती थी रियल एस्टेट को लेकर के, ज़्यादातर जानकार कहते हैं कि अब उस तरह की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, लेकिन मुंबई के बाज़ार से हमेशा लोगों की उम्मीदें रही हैं, तो क्या मुंबई जैसा बाज़ार भी अब वो रिटर्न नहीं देगा? देखिए, रिटर्न एक जगह है और दूसरी चीज़ है कि मुंबई एक मार्केट की तरह से हमारे निवेशकों को कितना सक्षम कर सकता है या उनको कितना लाभ दे सकता है। अब इन दोनों मुद्दों को अगर हम ध्यान से देखें, मुंबई एक ऐसा बाज़ार है जहां पर आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस मार्केट में जैसा संदीप ने बोला, एक जगह पे जहां पे कुछ कमियां हैं वहीं पर दूसरी जगह पर ये एक यूनिक मार्केट अपने आप में है। जैसे कि इंडिया का कमर्शियल सेंटर है बॉम्बे और हमेशा रहेगा। आने वाले दिनों में हम जब उम्मीद रख रहे हैं कि RBI बैंक लाइसेंसेस इशू करेगा, क्योंकि बॉम्बे शहर हर तरह के लोगों को अपने आगोश में लेता है और उनके लिए एक जगह उनको प्रदान करता है। हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है वो आज पूरे इंडिया में सबसे अच्छा, सबसे एकोमोडेटिव वर्क कल्चर है। प्रोफेशनलिज्म की अगर आप बात करो तो यहाँ के जैसा प्रोफेशनल एम्प्लॉई आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों की वजह से आने वाली न्यू एज बैंक्स जो हैं उनके लिए बॉम्बे ही शायद सबसे प्रेफर्ड लोकेशन रहेगा। ऐसे समय में अगर आप देखोगे कि जहां पर एक सस्टेनेबल कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी इस शहर में, वहीं पे साथ ही साथ कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी आनी है, और इसकी वजह से रहवासी इलाके डेवलप होंगे ही होंगे। ये सिर्फ समय का मुआवजा है कितने समय में ये डेवलपमेंट होते हैं। अब रही बात रिटर्न्स की, संदीप ने इस मुद्दे पर बताया आपको कि वो समय चला गया है शायद जहां पर हम 200-300% का उतार चढ़ाव देखा करते थे जी। शायद अब वो समय है कि जब हम अपनी उम्मीदों को थोड़ा अंकुश तरीके से देखें और 10-20% रिटर्न्स से भी हम अपने आप को लाभान्वित महसूस कराएं। 10-20% इस तरह के बाजार में बिल्कुल कोई बुरा निवेश कम नहीं है। जी, 10-20% कम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बीते एक साल में और उससे पहले भी जो मुंबई में इन्वेंट्री पाइल अप हुई है, जो अनसोल्ड होम्स हैं, घर बनकर तैयार हैं लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से वो बिक नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि दाम कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं, करेक्शन की गुंजाइश है? देखिए, पहले तो मैं एक करेक्ट करना चाहूँगा इस थ्योरी को कि मुंबई में काफ़ी रेडी पोजीशन हाउसेस हैं। ये एक बिल्कुल गलत थ्योरी है।
हमारे आज किसी भी इलाके में देख लीजिए, आप कोई भी बिल्डिंग साउथ मुंबई से लेके बांद्रा से लेके जुहू अंधेरी, अगर आप बोरीवली तक भी जाएंगे तो आपको बहुत चुनिंदा बिल्डिंग मिलेंगी जहाँ पे रेडी पोजीशन अनसोल्ड इन्वेंट्री मिलेगी, जो जिसमें ओसी आई हुई है बिल्डिंग में और बिल्डर के पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ एक गलत थ्योरी है और इसकी मार्केट रिसर्च शायद और ज़्यादा करनी चाहिए हमको कि क्या है इसके अंदर। दूसरी बात, आई थिंक एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिटर्न्स के ऊपर मैं एक बार और बात करना चाहूँगा कि आज प्री लॉन्चेस की जो मार्केट है उसके अंदर आपको मार्केट से 30-40% वैसे ही प्राइस का मिलती है। दूसरी बात, आपको आगे जाके 3-4 साल में अगर 10% और 15% का भी आपको एप्रिसिएशन दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर, तो आपके पास 60-70% का डेल्टा पड़ा हुआ है एप्रिसिएशन का। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। आपको क्या लगता है संजीव, क्या ऐसे कोई मार्केट्स हैं अभी जिनको आप कहेंगे कि यहाँ पर अभी भी ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन जो आप कह रहे हैं 10-20% की उससे भी ज़्यादा हो? तो क्या ऐसे मार्केट्स बचे हैं मुंबई या मुंबई के आसपास के इलाके में, MMR के इलाके में? जरूर, काफ़ी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर आज भी इस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। और अगर हम ध्यान से देखें चीज़ों को, जहाँ जहाँ हम एज एन इन्वेस्टर एक प्री लॉन्च में हम एंट्री लेते हैं, हमारा समय बहुत यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए, हम किस समय पे किस प्रोजेक्ट में हम एंट्री कर रहे हैं। वहाँ पर एज एन इन्वेस्टर अगर हम अपनी रिसर्च करते हैं और थोड़े प्रूडेंटली हम प्रोजेक्ट्स और डेवलपर को चुनते हैं और हम सही समय पर उस प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे, हमें 20-30% हमको लाभ मिलना ही है। जैसे कि कांदीवली एक इलाका है, बोरीवली एक इलाका है वेस्टर्न सबर्ब्स में, आपके सेंट्रल सबर्ब्स में मुलुंड भांडुप आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर प्री लॉन्चेस होंगे और वहां पर अगर आप राइट समय पे सही समय पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपको 20% रिटर्न जरूर मिलेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा पेरीफरी की तरफ जाएँ, हमारे पास घोटबंदर जैसे इलाके हैं जहाँ पर हमने थोड़ी ट्रैक्शन देखी है। ज़रूर ये मैं मानूंगा कि वहाँ पर आज लॉजिक के बियॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ये प्राइसेस हमेशा एक इमर्जिंग मार्केट में होता है। जिस भी बाज़ार में आप थोड़ा सा ट्रैक्शन देखोगे, वहाँ जो जिसके पास माल है वो थोड़ा लाभ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी वहाँ पर अगर हम देखें हमें 20-25% वहाँ पर रिटर्न मिल सकता है जी। आपने इलाके सुझा दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिए निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप संदीप, कि क्या वो रियल एस्टेट में उसी तरह निवेश करना बरकरार रखें जैसा कि करते रहें, क्योंकि अब निवेशक दूसरे निवेशों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट अब बुलिश हुआ है, इसके अलावा अन्य साधनों में भी निवेश अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो क्या रियल एस्टेट अभी भी एक आकर्षक मीडियम है निवेश का? इस पर हमें दो तरीके से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आज जरूर शेयर मार्केट काफ़ी चढ़ाव पर है, आज 25,000 का आंकड़ा भी उसने पार किया, लेकिन क्या ये सही समय है एक निवेशक के एंट्री के लिए? ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है और इस लेवल पे अगर कोई निवेशक एंटर करेगा तो क्या उसे भी उस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे? यही सवाल रियल एस्टेट के लिए भी उतना ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर संदीप आपकी क्या राय है, क्या रियल एस्टेट अभी भी उतना ही आकर्षक निवेश का जरिया है जैसे हुआ करता था, क्योंकि मार्केट बुलिश है, स्टॉक्स बुलिश हैं, क्या अभी भी लोगों को यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए? जी हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा तो आप कहाँ लगाएंगे और क्या करेंगे? आप शायद 60-70% अभी भी वैल्यू इसकी रियल एस्टेट में डालेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है, आप जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिल्डर ऑफिस में जाते हैं, सपोज़ आपने 7,000 में लिया, आपकी डाउन पेमेंट सिर्फ 20% या 30% मैक्स होती है, उसके बाद आप होम लोन लेके वो 15-20 साल तक उसकी पेमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने 1 करोड़ का घर लिया या 70 लाख का घर लिया तो आपने अपना इक्विटी सिर्फ 20% या 25% या 30% मैक्सिमम लगाया। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर आप पूरा 1 करोड़ तो नहीं लगा सकते, इसके लिए आपकी रियल एस्टेट रिटर्न्स अगर आप अपनी कैपिटल पे डालें, अगर आपने 25% अपना इन्वेस्ट किया हो और आपको 100% के ऊपर 70% मिल रहा हो, तो आपकी खुद इन्वेस्टेड इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? यू विल गेट मोर देन 200-300% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टेड इक्विटी, जितना आपने अपना स्वयं इन्वेस्टमेंट किया है इसके लिए। और ये भी पैसा आपको अगर सेल्फ इक्विटी सेल्फ पूरा आपको बैंकिंग नहीं करना है तो भी 4 साल में कमा के देना है।
हम एक बात और सोचते हैं कि फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज की डेट के अंदर हमारे पास इतने खर्चे हैं, इतने लुभाने वाली और चीज़ें हैं, हमारे पास वर्ल्ड ट्रैवल्स आ जाता है, हमारे को नया आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, नई गाड़ी लेनी है, तो हमको एक फोर्स इन्वेस्टमेंट एक रियल एस्टेट में हो जाता है कि चलो भैया मुझे ईएमआई देनी है या मुझे अपना घर बनाना है। आज मुंबई जैसे शहर में काफ़ी लोग रेंटल पर रहते हैं, उनका यही एक आशना होती है कि मुझे एक अपना घर चाहिए। अभी घर चाहिए उसके लिए सब ये सब देखना पड़ता है। अगर आपको 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके बाकी पैसा लोन पे करके, तो आपके एंड ऑफ द डे आपका एक एसेट बन जाता है। तो आई थिंक रियल एस्टेट इज ऑलवेज द बेस्ट। अगर आप सदियों से देखिएंगे, हमेशा इज ऑलवेज रियल एस्टेट। बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है कि यू नो वी ओनली हैव लिमिटेड लैंड, सो वो चीज़ को हमको मद्देनजर रखना चाहिए हमेशा। जी बिल्कुल। तो निवेश के लिए चाहे कुछ भी कह लें, रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है ही। भले ही आपको अब अपनी जो उम्मीदें हैं उनको वास्तविक करना होगा और जो भी रिटर्न्स आप मानते हैं और चाहते हैं उनको थोड़ा आप ज़मीन पर लाना होगा। आप दोनों ने ये बात हमें समझाई और हमारे दर्शकों को समझाई, और स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया आपका।